सम्राट बिम्बिसार पत्नी सहित महात्मा बुद्ध के शिष्य बने थे। अंततः बुद्ध ने गृहस्थ शिष्यों को भी पवित्र धर्म की शिक्षा देते हुए कहा, गृहस्थी लोग भिक्षु जैसा धर्म पालन नहीं कर सकते, अंततः उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए। इससे उनका ही नहीं समस्त मानव समाज का कल्याण हो। जीव हत्या ना करें, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, नशे से दूर रहें, भय विचार से दूर रहें, रात को देर से भोजन ना करें, माता पिता का आदर करें, स्वच्छ व्यापार करें, अतिथियों की सेवा करें, निंदा से दूर रहें, स्वास्थ्य कार्य करें। इसी में गृहस्थ समाज का कल्याण है। उन्हीं दिनों वहाँ श्रावस्ती का अनाथ पिंडक नामक एक धनवान राजगृह आया हुआ था। वह पहले से ही महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित था। यहाँ उसने उनके साक्षात दर्शन किए और कल्याणकारी प्रवचन सुने तो वह और भी अधिक प्रभावित हुआ और उसने महात्मा बुद्ध को श्रावस्ती आने का निमंत्रण दिया, जिसे महात्मा बुद्ध ने सरहर्ष स्वीकार कर लिया। जब सम्राट भीमिसार ने यह सुना तो उसे लगा कि कहीं महात्मा बुद्ध नगर के बाहर से ही श्रावस्ती के लिए प्रस्थान ना कर जाएं। अंततः उसने उनका वचन स्मरण करवाया, भगवान आपने वचन दिया था कि आप एक बार मेरे राज्य में अवश्य पधारेंगे, हाँ हमें स्मरण है। तब सम्राट भीमिसार ने प्रार्थना की, भगवान मेरे राज दरबार में पधार कर कर्मचारियों और सभासदों को भी अपना पवित्र उपदेश देकर तथाग्र करें। महात्मा बुद्ध राजदरबार में पहुँचे। सम्राट बिम्बिसार ने उन्हें स्वीति की ऊंची चौकी पर बिठाया, फिर उनके श्री चरणों में बैठकर विनीत भाव से बोला, प्रभु मेरा जीवन तो आपने अपने दर्शनों और उपदेशों से सफल कर दिया, अब जन कल्याण करने वाला मार्ग सुझाएं। मनुष्य दुख एवं कष्टों से घिरा हुआ व्याकुल हो रहा है, उसे दुखों और कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय सुझाएं। राजन मैं और मेरा संग इसी कार्य के लिए नगर नगर गांव गांव भ्रमण कर रहे हैं। इस समय चारों ओर युद्ध घृणा एवं ईर्ष्या की अग्नि धधक रही है, जिसमें नर नारी झुलसते जा रहे हैं। उनके हितों की रक्षा करने वाला राजा राजनीतिक युद्धों में फंसे हुए हैं। राजाओं को चाहिए कि युद्ध घृणा एवं हिंसा का त्याग करके आपस में प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाएं, आपस में भाईचारे को विकसित करें। युद्ध से समाज में बहुत हानि होती है, घृणा प्रेम और ईर्ष्या का जन्म होता है। लाखों मनुष्य जिनमें पुरुष ही नहीं स्त्रियां और बच्चे भी हिंसा का शिकार होकर मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। बच्चे अनाथ हो रहे हैं, स्त्रियां विधवा हो रही हैं, कितनी ही माताएं पुत्रहीन हो चुकी हैं। ये सब द्वेष ईर्ष्या और अहंकार का परिणाम है। इन व्यर्थ के युद्धों से कुछ प्राप्त नहीं होगा सिवाय विनाश के। अंततः राजाओं को चाहिए कि आपस में बैर भाव त्याग कर अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाएं, तभी जनता जनार्दन सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करेगी। प्रभु आपके उपदेशों ने लोगों के हृदयों पर अत्यधिक प्रभाव डाला है और वह हिंसा को त्यागने लगे हैं। सम्राट भीमिसार ने उनके चरण पकड़कर कहा, आपके उपदेश उन्हें सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। लोगों में प्रेम और प्रेम भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, आपस में भाईचारा बढ़ रहा है। राजन आप सबका सहयोग ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। महात्मा बुद्ध ने सम्राट बिम्बिसार के सिर पर सहे से हाथ फेर कर कहा, सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो, इसी में सबकी भलाई है, इसी में मानव मात्र का और सभी जीवों का कल्याण है। और इसके बाद गौतम बुद्ध वहाँ से चल पड़े। उनका अगला पड़ाव अब श्रावस्ती था। पाठकों को स्मरण होगा कि श्रावस्ती के एक धनवान उन्हें आमंत्रित करके गए थे और महात्मा बुद्ध ने उनका आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था।